जुल्म और ज्यादती हुई, वहां में अगर कोई जिम्मेदार है तो चौधरी, अगर कोई वहां में कोई जिम्मेदार है तो भाई कांग्रेस को विधायक, वार टाइम को मौजूदा मंत्री आफताब अहमद जिम्मेदार। जाने झूठा मुकदमा दिया, झूठा एफिडेविट दिया, आप सबके सामने की बात है मेरे भाई, आप सब जानते हैं इस बात को। और अगर कोई जब कोई मुआवजा बढ़ना की बात आई ही, जब आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस के विधायक ने भोले भाले किसानों को बरगलाकर, बहकाकर झूठे एफिडेविट देने का काम करा। तो ये मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये बहुत गौर फरमाने की बात है, अपन ने ये पूछनी पड़ेगी वासु कि ऐसा क्यों करा, ऐसी क्या तकलीफ थी हमसे। और मैं आपको एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर मेवात का कोई हितेशी है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, चौधरी अभय सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जब आप और हम वहां धरना पे बैठे रहे थे तो कोई भी बड़ो नेता हो परली घाकू लफा के पार जा रहे हो, धरना में ही तो लफा के बिना कभी को हाथ दे दे कोई। सिर्फ एक नेता आया, अगर कोई राष्ट्र स्तर का नेता आया, कोई प्रदेश स्तर को नेता आयो तो वह आपको नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला हो, आपके सामने की बात है। आपके दुख दर्द में, हमारे दुख दर्द में शरीक जो हुए। और अब तो वहां ने कह रहा किया है कि जब एक पत्रकार ने वासु पूछी नो के भाई अभय सिंह जी, चौधरी अभय सिंह, अगर जे कोई मिली जुली रली, कोई रली मिली सरकार सी आगी फिर कहा को डिप्टी सीएम बनोगे, तो वहां ने कह दी ना डिप्टी बनेंगे ना 50 बनेंगे, 100 के 100 हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बात तय है, ये बात होने जा रही है। और चौधरी अभय सिंह जी ने कह दिया कि जैसे ही हरियाणा को मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेगो, सबसे पहले नौगामन की जो समस्या है, जो परेशानी है, वह हल करना को काम करेगो, वह परेशानी दूर करना को काम करेगो, जो भी हमारी मांगे उनको पूरा करने का काम करेगा। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंसू जिस तरीके से आपने चुनाव संभाल रखा है, चुनाव तो अपन ने करफा ही कर रहा है, हिंसू आपको बेटा, आपको भाई, जब हिंसू विधायक बन के जाएगो तो आपके मारे आगे से आगे खड़ो मिलेगो, कहीं अगर कोई कैसी भी बात आएगी तो आप सब खड़े मिलोगे, हमेशा ही नौगावन की समस्या को हल करवा के मानूंगे। चौधरी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, चौधरी ताहिर हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीते 15 साल ये जो कांग्रेस को एमएलए है, ये 10 साल विधायक रहो है। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जरूर आप कांग्रेसी विधायक से पूछना कि भाई 10 सालन में अपना एक काम है तो गिना दे और 5 साल तो खूब भन्नाई भन्नाई कितना भन्नाई आप बता दो, फूल फले एक मंत्री और फूल चलक रही, एक काम गिना दे। और अब 5 साल रहो, मुझे पहले बता रहे कि साल के 5 करोड़ रुपया सालाना मिलक रहे एमएलए फंड में, अब वह बन गए 25 करोड़, उनको हिसाब दे दे कहा विकास करो। तो पिछले 15 सालों में 10 साल एक बहुत बड़ा वक्त हो जाता है। आप जरूर पूछे मेरे नौजवान भाइयों कि कहां गई हमारी यूनिवर्सिटी, कहां गई हमारी रेल, और हमारे रोजगार कहां गए, हमारे कॉलेज कहां गए, ये जरूर पूछने की बात है भाई। और जब कोई नू कहने लग जाए ना नू कही तो बिचारो विपक्ष में वो 5 साल कहा कर दो, अरे झूठ गलत बात है, ये तो कुछ करने की चाह होनी चाहिए, दिल में कोई जज्बात होने चाहिए, कुछ कौम के लिए कोई खिदमत का एक पीस मन में होनी चाहिए, सारे काम हुआ। और विपक्ष में एमएलए रह के इत्तेफाकन जब चौधरी जाकिर हुसैन हिजू जब तमन ने जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एमएलए बनायो तो वहां ने काम करके दिखायो, 36 बिरादरी के बारे, सारी मेवात के बारे काम करके दिखायो, उन्हीं 5 सालन में विपक्ष में रहते हुए, चाहे नहरी पानी की बात हो, नहरी पानी आयोग ना आयो भाई,
जब आप लोग जाग रहे कांग्रेस एमएलए पे तो कानून की किताब खोल देख रहे हो कि भाई ये तो डरे हैं ना, इनमें तो जाने की बात है, आने कुछ कुछ है ही ना सिस्टम। ये चौधरी जाकिर हुसैन की बात है कि उन्होंने सारी देवात में नहरी पानी चलाया विपक्ष में रहते हुए। कांग्रेस के टाइम पे हमारे जो ड्राइवर लाइसेंस है, जो अनपढ़ता के लाइसेंस है, वे जाके मंत्री होते सराते हमारे 40,000 ड्राइवर घर बैठना को मंजूर हो गए, जो अनपढ़ता कानून हो कि ना हो बता दो भाई। और जब चौधरी जाकिर हुसैन एमएलए बनो वाने चौधरी अभय सिंह के साथ, चौधरी अभय सिंह ने एक ही बात कह दी के चौधरी जाकिर हुसैन पीछे बब्बर शेर खड़ा है, जो काम करवाना हो वाई करवा लो विधानसभा के अंदर, मैं तेरे साथ करूं। हमारे जो ड्राइवर लाइसेंस उनको काम हुई हो कोटला झील की, कोटला झील भी हमारा भाई चौथ साहब ने करायो जब एमएलए बनो, और उनको जो मुआवजा हुई हो चाहे की चौनी भी ना लगी, सारो पैसा डायरेक्ट बैंक खाता में आ गो। और हीन जो थोड़े घणो जो रुपया दिलवायो जो बहकान के मारे वो भी कमीशन से मिलो है हाजी जी, वहां में भी कमीशन से ही कांग्रेस के एमएलए की और डीआरओ तो आज थोड़ी जेल पड़ो बतायो। तो अगर किसी ने कुछ करा है विपक्ष में रहते हुए तो चौधरी जाकिर हुसैन ये बता दे 10 साल में जाने कहा करोगा, एक काम तो बता दे। मेरे नौजवान साथियों आज बहुत सख्त जरूरत है, आज हमें ये देखने की जरूरत है कि पीछे जब 10 साल कांग्रेस जब पावर में रही हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अभी हाजी अब्बास ये एक बात कह रहे थे कि मुसलमानों को तो कांग्रेस पार्टी ने एक वोट बैंक की तरह यूज करा है कि इनको कुछ मत दे ये तो ही नहीं देंगे लास्ट में आके, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हरियाणा के अंदर अगर कोई मेवात का हितेशी है, पूरे हरियाणा का हितेशी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मैं आपको मेरे नौजवान भाइयों यकीन दिलाता हूं, और चौधरी अभय सिंह ने भी कह दी है कि मुख्यमंत्री बनते ही वो जो पिल्सन है ना, जो 100 रुपया जो वो जो पिल्सन है जो 100 रुपया चौधरी देवीलाल ने करी, आज चौधरी अभय सिंह ने कह दिए अब के पिल्सन होगी 7,500 रुपया और जोड़ा के लांगे 15,000 घर में, कोई टोटो ना रह सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे नौजवान साथियों कि जहां तक आपके रोजगार की बात है, आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, सबसे पहले रोजगार की बात रहेगी, चाहे सरकारी कर लीजो चाहे प्राइवेट में कर लीजो, अपने भाई को रोजगार दिला के मानूंगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कह दी है कि बड़ी से बड़ी नौकरी छोटी से छोटी नौकरी जैसे जैसी काबिलियत हो वहां इंशाल्लाह ताला नौकरी मिलेगी, और मेवात को तो सबसे पहले मिलेगी, बहुत लगाव है भाई या में कोई शक ना है। मैं मेरे भाई और कांग्रेसी विधायक ई जब मंत्री हो आप एक ही गिना दे, और जो जातियां वे सबन के सामने है, इरोह रोड अलवर तोड़ी 4 लेन हुई हो या के कार्यकाल में हमारो रोड भी चलोगो ही सू, तो अभी अपने घर में ले गो कहां चलोगो या जवाब है तो आप लेोगे वासु। आज 20 रोड के ऊपर इतने हादसे होते हैं, जाने 2-3 हादसे तो डेली वेज के, हाँ कितने घर बंद हो गए, आपके सामने है ये बात। मैं मेरे भाई मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे नौगांव के जो मेरे जो यहां पर जो मुझे प्यार देने आए आशीर्वाद देने आए मेरे नौगांव के नौजवानों को बड़े बुजुर्गों को, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि आप कोई मुआवजे की बात भी आएगी तो रात को 12 बजे आपके लिए खड़ा भी लूंगा बीच में। और वक्त बहुत कम है, आगे बहुत प्रोग्राम है, आप बहुत कीमती लोग यहां पे इकट्ठा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो हौसला अफजाई करी है, जो प्यार मुझे आप रख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और भाई सीधी सीधी बात है, 5 साल अब आपन के साथ में रहनो, आपन के बीच में रहनो चौधरी ताहिर हुसैन, और ये आप लोगों की बदौलत है, ये आप लोगों की बदौलत है।
मेरे नौजवान साथी, खासकर इसमें मेरे साथ चल रहे मेरे बड़े बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे भाई, आपने चुनाव एक तरफा कर दिए है, आज हालात ये हैं, जैसे चाचा कह रहे हो कि भाई आज तुम्हें बौखलाए पड़े हैं, आज वो बौखलाए पड़े हैं। हमें बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें किसी अफवाह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और हमें तो 5 तारीख तक एक एक वोट जोड़ने का काम करना है। इंसान गलती को पुतला हो गए, जाने अनजाने गलती भी हो जाऊंगा, कोई मौसम गलती होगी हो तो मैं भी माफी मांगू। और अपना भाई हमराजी करना की बात करा, कोई गलत फहमी का शिकार है तो वाय भी हम दूर करना को काम करा, एक एक वोट की बहुत सख्त जरूरत है। और मेरे नौजवान भाइयों, ये आपके मुस्तकबिल का आज सवाल है। आज हमारे बीच में अगर कोई यूनिवर्सिटी ला सकता है तो यूनिवर्सिटी को चौधरी अभय सिंह चौटाला दे सके हैं, और अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक हुकूमत 5 साल और चल जाती ना आगे तो यूनिवर्सिटी तो बहुत दिन पहले ही आ जाती, मगर हमारे हकों का तो सौदा हुआ है, हमारे जो हक थे उनको तो बेचा गया है। यह आपको पूछने की जरूरत है मेरे साथियों, या कांग्रेसी विधायक से पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हमारे साथ करा। मेरे भाई, आज इतनी बौखलाहट है, इतनी बौखलाहट है कि अब तो गीदड़ भभकीन ने भी देरे बताए, जैसे इनका खोखला वादा ऐसी इनकी खोखली बात, और ऐसी खोखली इनकी गीदड़ भभकी। आप चिंता मत करो, चौरी तैयब हुसैन के खून हम अपने आदमी के मारे जान की बाजी भी लगाते जाना, आप बस 5 तारीख तक एक एक वोट पे आप मेहनत करें। मेरे भाई, 5 तारीख के बाद अगले 5 साल आपकी सेवा में हम हाजिर, आपकी खिदमत में हम हाजिर। आपने मेरी बात सुनी, इतना आप लोगों ने मान सम्मान दिया, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। चौधरी ताहिर हुसैन, चौधरी ताहिर हुसैन, अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।